मैं हूँ प्रभजोत कौर और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। अपने बड़बोलेपन और बेबाक बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले कमाल रशीद खान यानी कि केआरके ने इस बार गाली गलौज से भरे अपने ट्वीट्स का निशाना फिल्म बाहुबली 2 उसके डायरेक्टर और स्टार कास्ट को बनाया है। केआरके बाहुबली 2 के देखने के बाद केआरके ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। इनमें से कुछ तो ऐसे ट्वीट थे जिसे हम आपको यहाँ दिखा भी नहीं सकते हैं। केआरके ने ट्वीट किया कि एसएस राजामौली सर ने बाहुबली 2 का नाम पर जनता को बेवकूफ बनाया है। मैं थिएटर में फिल्म देखने गया था, कार्टून नहीं। उन्होंने लिखा कि बाहुबली 2 में ना कहानी है, ना इमोशन है और ना मनोरंजन, वो बस एक कंप्यूटर गेम की तरह है। केआरके यही नहीं रुके, उन्होंने लिखा कि अगर मुगले आजम के डायरेक्टर के आसिफ साहब ने बाहुबली 2 देखी होती तो वो राजामौली के घर उन्हें गोली मारने चले गए होते। केआरके ने लिखा कि बाहुबली 2 तो बाहुबली 1 की 10% भी नहीं है, लेकिन उसकी हाइप इतनी बना दी गई है कि पब्लिक मूर्ख बन गई है और फिल्म को इतनी बड़ी ओपनिंग मिली है। गौरतलब है कि केआरके खुद को फिल्म के समीक्षक भी बताते हैं और उनकी उल जलूल फिल्म समीक्षा के उनके फैंस चटखारे लेकर पढ़ते हैं। केआरके के निशाने पर बाहुबली के हीरो प्रभास भी रहे। उन्होंने लिखा कि अगर कोई हिंदी फिल्म निर्देशक प्रभास को ले रहा है तो वो सचमुच मूर्ख है। ये अलग बात है कि फिल्म और उसकी स्टार कास्ट पर भड़ास निकालने के बाद केआरके ने इस बात को माना कि फिल्म ने पिछले दिन ही 119 करोड़ रुपए कमाकर इतिहास रच दिया। खैर, ये तो केआरके थे जो बाहुबली 2 के लिए अपनी समीक्षा दे रहे थे। इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।